इंसान के हाथ में कुछ निशानात ऐसे होते हैं जो इस बात को वाजह कर देते हैं कि अचानक से इंसान की जिंदगी में तब्दीली और बेहतरी आएगी। माली हवाले से, इज्जत के हवाले से, रिज्क के हवाले से एक ऐसी बेहतरी अचानक से आएगी जिससे इंसान की सोच और जिंदगी में एक रौनक आ उभरेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो हाथ में कौन सा निशान है जो अचानक से दौलत आने की निशानी ठहरता है, जिस इंसान की किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर को तोड़ के आगे बढ़े और उसमें एक दायरा बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, तो इससे ये मुराद है कि उनकी किस्मत उसकी जिंदगी को तब्दील करके आगे बढ़ेगी और किसी ऐसी वजह से, यानी किसी बंदे के आने की वजह से या किसी ऐसे फैसले की वजह से अचानक से दौलत आएगी जिससे उनकी जिंदगी में बहुत बेहतरी माली हवाले से और रिज्क के हवाले से आ उभरेगी। इस हाथ को दस्त शनासी में मुकद्दर वाला हाथ कहा जाता है, लेकिन अगर ये लकीर दिमाग की लकीर को तोड़ने के बाद जहल की तरफ पड़े, यानी उसका मतलब दौलत तो आएगी लेकिन वो तादेर ठहरेगी नहीं। उसको चाहिए कि वो अपना खर्च एहतियात के साथ करे और अपने आप को नजर असद से बचाने के लिए रोज सुबह और रात चारों कुल पढ़कर दिन का आगाज और रात का इख्तिताम करे। अल्लाह तादेर उसको खुशहाल रखेगा, इंशाल्लाह। उसको खुशहाल रखेगा, इंशाल्लाह।